ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਚਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਕੁੜੀਏ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਰੂਪ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਇਹ ਚੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਚਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਕੁੜੀਏ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਰੂਪ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲੈ ਕੁੜੀਏ मैंने अपनी एल्बम ये स्टार्ट की थी छः महीने हो गए सिक्स मंथ को रन इन पाकिस्तान एंड वेरी फेमस पाकिस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर एम आर अर्शद सो हेल्प मी टू मेक माई एल्बम झुमका मैंने यहाँ सीखना जो शुरू किया तो शंकर गंगोली साहब थे उनसे मुलाकात हुई वो इंडिया के बड़े मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर गुजरे अनिल विश्वास उनके असिस्टेंट थे तो उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया तो बाद में वो कुछ बीमार रहते थे इसलिए उसके बाद मैंने रजब अली साहब जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर सिंगर हैं उनसे कुछ तालीम हासिल की तो लेकिन मैंने गाता था थोड़ा क्लासिकल लेकिन जब मैंने उससे देखा कि लोग पंजाबी को पसंद करते तो मैं इस तरफ आ गया तो मैंने ये पंजाबी एल्बम झुमका तैयार किया मोहम्मद रफ़ी साहब जो कि बहुत बड़े सिंगर थे दुनिया के और हमारे एक और पाकिस्तान के सिंगर हुए हैं मुसौर रौनक साहब उन्हीं को देखते हुए मैंने गाना शुरू किया और वही मेरे फेवरेट सिंगर हैं कर मेरे उते मेहरबान ते अपना बना ले कुड़िए ते अपना बना ले कुड़िए मैंने ट्राई किया कि उसमें हर तरह का गाना हो यंग बच्चों के लिए भी हो और जो मेरी एज के हैं उनके लिए भी हो इसमें भंगड़ा भी है इसमें स्लो सॉन्ग भी हैं और कुछ अरफाना कलाम भी है जैसे मोहम्मद बख्श साहब का कलाम है सैफुल मुल्क वो भी मैंने इसमें गाई है यानी कि इसमें मैं हर क्वालिटी रखी है हर एज के लिए ताकि सबको पसंद आए और क्योंकि इस हर एज के लोग सुनते हैं यंग भी सुनेंगे और ओल्ड लोग भी सुनेंगे तो उसमें सारी क्वालिटी रखी है नेक्स्ट हमने काफ़ी उस नेक्स्ट एल्बम के लिए तैयारी की है और म्यूज़िक भी तैयार कर लिया हुआ है मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर जो है अमर शाह साहब जो पाकिस्तानी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और गाने भी लिख लिए हमने सिर्फ मैंने अब जाना दोबारा और वोकल करने हैं और जो मैं उस एल्बम का नाम हमने गवांडन रखा है डेट मीन नेबर सो वो भी इंशाल्लाह आफ्टर टू मंथ उसकी भी महल लॉन्चिंग पार्टी करेंगे I'm always the bearer of bad news, but it is the end of the show, and this woman is trying to make me a drink at the moment. Privileges, eh? Nevertheless, what are you making me, PJ? Can you open this one for me quickly? I've got to pour it into the glass. It's for you. It's called the PJ Lagoon. Wait, no, I want to pour it. Look. Okay, now at this moment in time, it's the end of the show. PJ has made me a drink. She hasn't told me what's in it or what it's actually called. So the suspense is really, really killing me at the moment. So go on then, pour it and see what colour it is. Wow, amazing! And she can't even pour a drink properly. And you expect me to drink that? Hang on. Well, just before I go, I have my kiss of death, as they say. I'm going to take a sip. If I'm not here next week, you can blame it on this woman.